हे हेलो फ्रेंड्स, रौनक हियर। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे मोटो ई 7 प्लस में किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विदाउट प्रेसिंग पावर बटन एंड एज वेल एज वॉल्यूम लोअर बटन। सो आप किस तरीके से पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन के बिना आप किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को टच करके किस तरीके से आप स्नैपशॉट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा रौनक और फिर से स्वागत करता हूँ आपको ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, यू आर वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ फन। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा इसको करने के लिए एक सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप आपके फ़ोन पे किसी भी टाइप के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थ्री फिंगर को आपको सिंपल सा प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा। सिर्फ थ्री जो फिंगर है उसको, तीनों फिंगर को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस करके होल्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएंगे। तो ये जो फीचर्स है इसको आपको इनेबल करना किधर से है? सो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा आपके सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, इधर आपको लिखना पड़ेगा जेस्चर। तो जब भी आप जेस्चर लिखेंगे तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद गाइस, सो क्लिक करने के बाद गाइस आपको थ्री फिंगर स्नैप शॉट इधर जो लिखा है स्क्रीनशॉट, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी आपको क्लिक करेंगे तो इधर आप ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इधर देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तीनों जो बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, इस जो ऑप्शन है इस ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेंगे तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ तीनों फिंगर की मदद से आपके फ़ोन पे स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।